नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 1। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के लाइव सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप सब यही सोच रहे होंगे। चलिए आपको बता देते हैं, आज के लाइव सेशन में हम जानने वाले हैं सब्सट्रैक्शन चैप्टर 4 क्लास 1 के लिए। और इससे पहले भी कई पार्ट्स हम इस क्लास के ले चुके हैं, और इसके बारे में और ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं सरा रफत खान, जेपीएफ डीईई एनसीईआरटी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। तो आज हम ये जान लेते हैं मैम कि इससे पहले हमने जो सेशन हमने लिया, हमारे बच्चों ने देखे हैं, उसमें हमने क्या कुछ खास पढ़ाया, थोड़ा शॉर्ट में आप वो बता दें ताकि बच्चे भी उसे रिवाइज कर लें। और उसके साथ साथ आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं बच्चों को, आज के चैप्टर में क्या कुछ बच्चों के लिए खास रहने वाला है। इससे पहले हम लोग देखिए, फर्स्ट चैप्टर था हमारा शेप्स एंड स्पेस, वो पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास थे नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, वो आपने पढ़े। उसके बाद उन नंबर्स का इस्तेमाल करते हुए हमने जमा यानी कि एडिशन सीखा कि कैसे हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको अगर हम जोड़ें या उनको ऐड करें तो हमारे पास एक रिजल्टेंट नंबर आता है, जो कि उन दोनों का एडिशन या फिर जोड़ने के बाद जो टोटल होता है वो हमारा नंबर होता है। इसी तरह हम आगे चलते हुए आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन जो है वो कुछ भी घटाना या कुछ भी रिमूव करना फ्रॉम द टोटल क्वांटिटी, दैट इज नोन एज सब्ट्रैक्शन। बट आगे चलते हैं, खेलते खेलते सीखते हैं। तो हमारे पास एक यहाँ पेपर मौजूद है, इस पर हम कुछ ड्राइंग करते हैं। तो ये हमारे पास स्केच कलर्स आपको आसानी से घर पे मिल जाते हैं, और ड्राइंग तो सभी को पसंद है। तो आइए हम कुछ खूबसूरत सा आज बना के देखते हैं। मैम, आपको कुछ अंदाजा हो रहा है हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे? कुछ कुछ याद आ रहा है, लेकिन बेहतर है और ज्यादा अच्छा लगेगा कि खेल खेल में हमारे बच्चे बहुत कुछ सीखें। जी बिल्कुल। और मुझे भी पुरानी यादें जो है वो ताजा हो जाएं। बिल्कुल, मैं यही सोच रही थी, यही बनने वाला है और वही बना है। देखिए, ड्राइंग तो सभी को अच्छी लगती है, तो अपने स्केच पेन उठा के आप बच्चों ऐसा कुछ अगर बनाए तो आपके पास ये आ जाता है एक ट्री। अब ये काहे का ट्री है मैम, आप कुछ बताएंगी? बहुत घना सा लग रहा है जी। कई तरह के ऐसे पेड़ हैं, कई ट्रीज ऐसे हैं जो बहुत घने होते हैं, नीम है उसमें, और उसमें पीपल है जी। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन तो आप क्या खास करने वाली? अगर हम इसमें कोई फ्रूट बना देते हैं तो ये हमारा हो गया एप्पल ट्री। ओके, तो यहाँ हमारे पास 1 एप्पल, और जल्दी से ज्यादा से एप्पल्स बनाते हैं क्योंकि एक पेड़ पे आपको एक एप्पल तो मिलेगा नहीं। बिल्कुल, जब मौसम आता है तो पूरा पेड़ फलों से भर जाता है। तो ये हमारे पास ढेर सारे एप्पल मौजूद हैं। तो इन्हें अगर हम गिनने चलें कि हमारे पेड़ पे आज कितने एप्पल हो गए हैं, तो हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एप्पल्स। तो हमारे पास टोटल एप्पल्स हैं 10। और अगर इनमें से मैम हम कुछ खाना चाहें कि भूख लगी है, अच्छे लग रहे हैं, तो हम ये 3 एप्पल अगर तोड़ लें, ये 3 एप्पल हमने अपने लिए निकाल लिए, तो हमारे पास कितने एप्पल्स बचते हैं, आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एप्पल्स। तो हमारे पास रिमेनिंग एप्पल्स जो ट्री पे हैं वो हैं 7। अब हमने इसमें क्या किया, हमने ये 3 एप्पल्स जो थे अपने लिए तोड़े, घटाए या हटाए यहाँ से पेड़ पे से। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए जिससे हमने समझा कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। आइए चलिए इन्हीं वर्ड्स को हम और अच्छे से अगर समझें, तो ये हमारे पास है टेक अवे या टेक आउट। इसी तरह अगर हमारे पास कोई और वर्ड हो जैसे कि डिफरेंस, लेफ्ट, लेस, गेव या गो अवे, मूव अवे, माइनस या सबसे कॉमन वर्ड सब्ट्रैक्ट। तो ये सारी हमारी वोकैबलरी है या वर्ड्स हैं जिनको हम जब पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यूज करना है। अब सब्ट्रैक्शन यूज तो करना है, लेकिन उसको हम कैसे समझेंगे? अब जैसे मैं अगर आपको बोलती हूँ कि आ जाइए, तो मैं कुछ इशारा कर रही हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ बैठ जाइए, तो ये सब एक साइंस है जिनसे आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी तरह मैथमेटिक्स में भी हमारे पास कुछ साइंस होते हैं, और एडिशन के लिए जैसे हमने देखा था हमारे पास प्लस साइन होता है, जो कि एक स्टैंडिंग लाइन और एक बीच में स्लीपिंग लाइन, ये जोड़ के हमारा एडिशन बनता है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए हमारी सिर्फ एक स्लीपिंग लाइन होती है। आइए चलिए देखते हैं इन साइंस को। ये हमारा हुआ साइन यूज्ड फॉर एडिशन,
बीच में आप देख सकते हैं एक स्लीपिंग लाइन है, उसी को काटते हुए एक स्टैंडिंग लाइन, ये मिला के हमारा बनता है एडिशन साइन। आगे बढ़े तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन आता है, जो कि एक सिंपल सिंगल स्लीपिंग लाइन है। इसी तरह हमारे पास आप देख सकते हैं अब कुछ कुकीज हैं। ये कुकीज हमारे पास कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो मेरे पास एक लड़की थी शीना, उसके पास थे 12 बिस्किट्स, उसने 12 में से कुछ खा लिए, तो उसके पास कुछ बिस्किट्स बचे। आइए देखते हैं उसने कितने खाए। ये बॉक्स में जो आपको 5 बिस्किट्स दिख रहे हैं, ये उसने खा लिए, तो अब हम देखते हैं उसके पास कितने बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बिस्किट्स। तो इसी चीज को मैम हम अगर बताना चाहें वर्ड्स में जी, तो हमारा एक स्टेटमेंट फॉर्म हो जाता है विच इज लाइक दिस, शीना हैज 12 बिस्किट्स, शी एट 5, शी हैज डैश बिस्किट्स लेफ्ट। अब हमने जैसे काउंटिंग करके सीखा कि उसके पास 12 थे, उसमें से 5 हमने हटा दिए, तो हमारे पास 7 बिस्किट्स बचे। इसी चीज को अगर हमने वर्ड्स में देखा तो आगे हम बढ़े और इनको अगर हम इक्वेशन में लिखना चाहें तो जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कुकीज थी या बिस्किट थे वो थे 12। तो पहले हम लिखेंगे 12, फिर हमने साइन सीखा सब्ट्रैक्शन का, तो वो हमारा साइन आ जाएगा, और फिर जितने उसने उनमें से बिस्किट्स खा लिए वो हम उसके बाद लिखेंगे विच इज 5। और जैसे कि आपने स्लीपिंग लाइन समझ के सब्ट्रैक्शन का साइन याद किया था, ऐसे ही इज इक्वल टू का साइन होता है विच इज 2 स्लीपिंग लाइन, एक ऊपर और एक नीचे, तो हम वाला साइन लगा के फिर जितने हमारे पास बिस्किट्स बचे या कुकीज बचे वो हम अपना आंसर लिख देंगे। आइए इसको दोबारा समझते हैं। सबसे बड़ा नंबर जिस चीज़ में से हम कुछ घटाना चाह रहे हैं पहले वो लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर जितना हमने उसमें से घटा दिया वाला नंबर, और फिर उसके बाद जितने हमारे पास बचे वो आ जाते हैं। ये एक तरीका हो गया, इसको हम इक्वेशन कहते हैं, इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा एक तरीका और है माइनस करने का, शीना हैज 12 बिस्किट्स, शी एट 5 बिस्किट्स, फिर हम साइन लगा देंगे और फिर नीचे हमारे पास स्टेटमेंट आता है शी हैज डैश बिस्किट्स लेफ्ट। तो जैसे हमारा इक्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ था हमने, उसी को अगर हम और अलग तरीके से सॉल्व करना चाहें तो एक ये वाली इक्वेशन भी बनती है। तो हम कॉपी में अगर सॉल्व करते हैं कभी तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ज्यादातर हम इसी को यूज करते हैं जी, अक्सर हमने देखा सिंपल फॉर्म वही है, लेकिन ये भी बिल्कुल उसी का तरीका है। चलिए ये एक और नया तरीका बच्चों के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास कुछ काइट्स हैं। अमित ने तो कितनी काइट्स खरीदे, आइए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल 9 काइट्स अमित ने जाके बाजार से खरीदी। अब आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, वो उसमें कितनी काइट्स हैं आइए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 काइट्स। ये 5 काइट्स उसने अपनी बहन को दे दी, तो उसके पास आइए देखते हैं कितनी काइट्स बची, 1, 2, 3, 4 अमित ने खरीदी 9 काइट्स, उसमें से 5 उसने दे दी अपनी बहन को, तो उसके पास बचती हैं आखिर में 4 काइट्स। तो इसको अगर मैम हमने पिछला देखा था स्टेटमेंट फॉर्म, तो ये हमारा उसी तरह इस एग्जाम्पल का स्टेटमेंट फॉर्म आ जाता है, अमित बॉट 9 काइट्स, ही गेव 5 काइट्स टू हिज सिस्टर, हाउ मेनी काइट्स डज ही हैव नाउ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर हम इसको सिंपल इक्वेशन में लिख सकते हैं, 9 काइट्स थी तो पहले 9 आ गया, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर उसमें से 5 उसने घटा दी या हटा दी और अपनी बहन को दे दी, तो -5 और फिर इज इक्वल टू का साइन, और फिर जितनी अमित के पास बच रही हैं वो है 4 काइट्स, तो हम लिख देंगे 4। इसी को अगर आप वर्टिकल फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो उसी इक्वेशन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 9 - 5 और नीचे उसका आंसर। चलिए आइए अब कुछ एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। अब आपको जैसे दिख रहा है ऊपर लिखा है सब्ट्रैक्ट एंड मैच, तो बीच में हमारे पास आंसर्स हैं, यहाँ पे कुछ इक्वेशंस हैं और राइट पे कुछ इक्वेशंस हैं। अब अगर हम इनको सॉल्व करने चलते हैं तो हमने देखा इक्वेशन की फॉर्म होती है 4 - 2,
तो ऐसे अगर हम लिखते हैं तो इज इक्वल टू करके कुछ आंसर आना चाहिए. तो हमारे पास टोटल नंबर है चार. अब अगर हमारे पास यहाँ पे चार पेन मौजूद हैं, इन चार में से अगर मैं दो पेन हटाती हूँ तो हमारे पास कितने पेन बचे मैम, क्या आप बता सकती हैं? बिल्कुल, दो दो पेन्स बच रहे हैं हमारे पास. तो इसका आंसर है दो. बीच में हमारे पास सारे आंसर्स हैं, तो 4-2 इज इक्वल टू 2, तो हम इसको मैच कर देंगे. सिमिलरली अगर हमारे पास 9 पेन हैं, उनमें से हम 5 हटा देते हैं, तो 9 पेन 1, 2, 3, 4, 5 हटा दिए, तो हमारे पास बचे कितने? 4. तो हमारा आंसर हो गया 4. इसी तरह अगर आप आगे चलें तो 7 में से अगर हम 2 हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये हमारे पास 7 है. इनमें से अगर हम 2 हटा देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका आंसर हुआ 5. इसी तरह बच्चों आप आगे आंसर्स हमें बताते जाइए कमेंट सेक्शन में. 9 में से अगर हम 1 हटा देते हैं तो कितना बचा हमारे पास मैम, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, 8. 8. तो 9-1 विल बी इक्वल टू 8. इसी तरह 5-1 इज इक्वल टू मैम 4. यस, इट विल बी 4. 6-3 विल बी 3. 7-1 will be 6. Similarly, 5 में से अगर हम 0 हटाते हैं, अब ये तो हमने पढ़ा नहीं अभी तक कि 5 में से अगर हम 0 हटाएंगे तो कितना आ सकता है. चलिए देखते हैं. अगर हमारे पास यहाँ पे 5 पेन्स हैं, इनमें से अगर हम कुछ भी ना हटाएं, 0 का मतलब है 0 का कोई क्वांटिटी नहीं है, 0 का मीनिंग है कुछ भी नहीं. एग्जैक्टली. तो अगर हम इसमें से कुछ भी नहीं हटाते हैं तो हमारे पास उतने ही पेन्स मौजूद हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5-0 = 5. तो ये हमारा आंसर हो गया. इसी तरह हम 8-2 करेंगे तो हमारे पास आता है, बच्चों बताइए जल्दी से, 6. देन वी हैव 7-4, मैम कितना हुआ? बिल्कुल, इट्स 3. It will be 3. Then 8-0 will be, इसी तरह जैसे again, हम 5 कर लिया था, right? तो 8 में से कुछ भी नहीं हटा रहे हैं तो हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ जाता है वापस 8. 5 में से अगर हम 3 हटाएं तो हमारे पास आता है 2. Yes. 8-3 will be, it's 5. Okay. And 7-7, ये भी थोड़ा नया सा है. अब हमारे पास 7 पेन हैं, उनमें से हम 7ों के 7ों हटा देंगे तो हमारे पास क्या रहता है? कुछ भी नहीं. मतलब है 0. ओके. तो ये हमारी मजेदार सी एक्टिविटी यहाँ पे. इसी तरह बच्चों आप भी कोई भी पेपर पेन लेके उस पे से इक्वेशंस डाल के और ऐसे मैच द फॉलोइंग बना सकते हैं और आपका आराम से टाइम भी कटेगा, सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे और मजा भी आएगा. बिल्कुल. और बच्चों मजे में देखिए आपकी मैम ने, आपकी जो टीचर इस वक्त हैं, इन्होंने हमें कितनी अच्छी चीजें समझाई हैं, बताई हैं. और इस तरह से आप भी खेल खेल में पढ़ सकते हैं. जरूरी नहीं कि पढ़ाई हमेशा पढ़ाई 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 होनी चाहिए, पढ़ाई इंटरेस्टिंग होनी चाहिए. और जैसा अभी आपकी मैम ने बताया कि पढ़ाई को हम कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. अच्छा मैम, वैसे ही मैंने अक्सर देखा है बच्चे कई सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं आराम से, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, खासतौर पर मैथ्स, ये हमने देखा है काफी बच्चों को डर लगता है, बच्चे डरते हैं और जी चुराते हैं. ऐसे में हम मैथ्स को कैसे इंटरेस्टिंग और बना सकते हैं, ये तो मैंने अभी आपको देखा करते हुए, वाकई इससे तो लगता है कि हम और करते जाएं, रुके ना क्लास. लेकिन इसके अलावा और बच्चे कैसे मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें, ऐसी एक्टिविटीज हैं, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा चीजें अलग हो गई हैं, पहले की पढ़ाई से अभी चीजें बहुत अलग हैं. ऑनलाइन क्लासेस बच्चों के लिए एक ऐसा माध्यम है कि बच्चे खेलते खेलते अच्छी अच्छी एक्टिविटीज के साथ में पढ़ते भी रहते हैं. तो मैथ्स को कैसे ईजी बनाया जाए, कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए कि बच्चे जो है वो मैथ्स को मजे से पढ़े? जी देखिए, मैथ्स जो है बिल्कुल भी एक पेपर पेन एक्टिविटी नहीं है या फिर मेंटल एक्टिविटी एज सच वो नहीं है कि आप ट्रेडिशनल मेथड से बस पेन पेपर कॉपी उठा ली, बुक में से क्वेश्चन छाप लिए और उनका आंसर आपने ढूंढ के लिख दिया, जैसे टीचर ने बताया वैसे करते चले. बस आपने कुछ नहीं सोचा कि हम क्यों घटा रहे हैं, हम क्यों जोड़ रहे हैं, इस साइन का क्या मतलब है, क्या करना है हमें, ये सब चीज़ें आपको मतलब समझ में आ रही हैं नहीं आ रही, बस आप करते चले जा रहे हैं.
तो उससे अच्छा है कि आप पूछिए अपने टीचर से, जो टीचर अगर एक्टिविटी करा रहा हो तो उसमें पार्ट लीजिए, उसको अच्छे से एंजॉय करिए, और जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम्स आए, डाउट लगे, तो आप उनमें क्वेश्चन करिए, क्यूरियस हैं तो उस बारे में पता करिए और समझने की कोशिश करिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और हम जो भी नंबर यूज़ कर रहे हैं वो पहले क्यों लिख रहे हैं, दूसरा नंबर जो ले रहे हैं वो बाद में क्यों लिख रहे हैं। इस टाइप के सवाल अगर आप करते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और खेल खेल में आप मैथ्स भी सीख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और जैसा अभी मैम ने भी कहा कि अगर आप इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, यानी कि लगाव, यानी कि ध्यान लगाकर आप पढ़ेंगे मैथ्स, तो फिर मैथ्स बहुत ही इजी आसान हो जाता है, और आपको लगेगा कि अब मैंने ये सीख लिया, चलिए अब मुझे ये भी सीखना है, ये इंटरेस्ट बढ़ जाता है। बहरहाल आज अब इसके अलावा आप बच्चों को और कुछ क्या कुछ बताने वाली हैं खास, जरा हमारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और जी आइए, हम जैसे हमने स्टार्टिंग में ड्रॉइंग की थी वैसे अब थोड़ी सी कलरिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक और एक्टिविटी है विच इज कॉल्ड सब्ट्रैक्ट एंड कलर। तो कलर में हमारे पास ये कुछ रेड, ग्रीन, ब्लू और येलो कलर हैं। तो हमारे पास यहाँ वन लिखा, आइए हम वन को कोड दे देते हैं एक कलर का विच इज रेड। तो वन को हम रिप्रेजेंट करेंगे रेड कलर से, टू को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्रीन कलर से, और फिर थ्री को हम रिप्रेजेंट करेंगे, मैम आप बताइए कौन से कलर से, जो आप कौन सा, येलो से। थ्री विल बी रिप्रेजेंटेड बाय येलो। तो हमारे पास फिर बचा फोर, फोर को भी हमें आइए कलर दे देते हैं विच इज ब्लू। पहले हमने नंबर को कलर्स असाइन कर दिए, वन को दिया रेड, टू को दिया ग्रीन, थ्री को दिया येलो एंड फोर को दिया ब्लू। जैसे हमने पहले इक्वेशन सॉल्व किए थे इसी तरह यहाँ पे हमारे पास और इक्वेशंस मौजूद हैं, तो उन्हें पढ़ते हैं आइए। थ्री माइनस टू, अब थ्री से आप समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ समथिंग हमारे पास कह लीजिए कि एप्पल्स हैं, तो हमारे पास तीन एप्पल्स हैं, उनमें से हमने दो जो हैं वो अपने दोस्त को दे दिए, तो हमारे पास कितने बचे, वन। वन, तो वन का हमारे पास कलर है रेड, तो हम यूज करेंगे रेड कलर और इसको हम रेड से बंद कर देंगे। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम बाकी करेंगे, एट माइनस फोर करेंगे तो हमारा आंसर आया। तो बच्चों ये सब जितने भी मैम आपको दिखा रही हैं, हम आपसे ये कहेंगे कि आपके पास भी स्केच पेन्स होंगे, कलर्स होंगे, आप उन्हें लेकर बैठिए, और जो भी आपकी जो मैम इस वक्त पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, अगर साथ साथ आप वो करेंगे तो ये आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से अपने ये स्केच पेन्स जो हैं वो लेकर आप बैठिए, और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप कॉमेंट्स में हमें कुछ बताना चाहते हैं, कॉमेंट्स के माध्यम से हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉमेंट्स के जरिए आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, और क्या इंटरेस्टिंग आपको लगा आप वो भी बता सकते हैं, और क्या इंटरेस्टिंग आप बनाना चाहते हैं वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमें कॉल भी लगातार कर सकते हैं। बहरहाल सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैम आपके बता रहे हैं कुछ पेंस के जरिए कि कैसे आप अपनी पढ़ाई को, खासकर मैथ्स की कई ऐसी चैप्टर्स हैं जिसे आप इजी कर सकते हैं, आगे बढ़ते हुए। तो हमने इस पे कुछ भी यूज़ नहीं किया, एक ब्लू पेन, एक ब्लैक पेन और थोड़े से स्केच कलर्स। तो इसी तरह आप भी मैथ्स को ज़रूरी नहीं है कि बस अपने पेन, पेंसिल और पेपर से सीखते रहें, थोड़े से स्केचेस लें, कलर्स लें, क्रेयॉन लें और उनसे भी सीख सकते हैं आप इसको फन बनाते हुए। तो अब हमारे पास टोटल नंबर है एट, एट में से अगर हम चार को घटा दें तो हमारे पास कितने बचे, अगेन फोर। चार, चार का हमारा कलर कोड है ब्लू, ब्लू, तो हम इसको ब्लू से क्लोज कर देंगे। इस तरह हमें याद भी रहेगा हमने कौन सा क्वेश्चन कर लिया है, और कलर कोडिंग हो गई तो हमें इसका आंसर भी पता चल रहा है मजे मजे में कि ये ब्लू कलर है, ब्लू का मतलब है फोर, तो यहाँ पे हमें जगह भी नहीं खेड़नी है कि कहाँ लिखें फोर, आप इसको सिंपली ब्लू स्केच पेन से बंद कर दीजिए। यानी कि इन कलर से हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमें यहाँ आगे करना है। बिल्कुल, तो अब थ्री में से अगर हम वन माइनस करते हैं मैम तो कितना हुआ, टू, तो हमें कौन सा कलर उठाना चाहिए, ग्रीन। यस, फिर हम ग्रीन से इसको करेंगे वन, सो थ्री माइनस वन इज इक्वल टू आर आंसर विल बी टू। नाउ वी हैव फोर माइनस वन विल बी थ्री, तो मैम हम कौन सा कलर उठाएंगे, इट्स येलो। येलो, येलो कलर को उठा के हम फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री,
सो 3 इज येलो, तो येलो से हम इसको बंद कर देते हैं. इसी तरह 5-2 विल बी अगेन 3. सो 3 का हमारा कलर था येलो, येलो यूज करते हुए इसको बंद कर दिया. 7-3 विल बी 4. तो इसको ब्लू से, अब आप देख सकते हैं हमारी शीट कितनी बोरिंग स्टार्ट हुई थी और अब कितनी कलरफुल सी हो गई है. इसको हम कंप्लीट कर देंगे, बच्चों को भी इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होगा. और मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ आंसर कर रहे हैं और बच्चे वहां पर साथ जो साथ इस वक्त इन क्लासेस इस क्लास को देख रहे होंगे, इसमें हमारे साथ होंगे, वो बिल्कुल ये कर रहे होंगे. तो आइए आगे बढ़ते हुए बच्चों, आप हमसे पहले करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देते रहे. 5-4 विल बी 1. 1 का कलर कोड हमारे पास रेड, तो हमने उठाया रेड स्केच पेन, रेड स्केच से इसे बंद कर दिया. 4-0, 0 का हमने सीखा था इट मींस नथिंग और नो आइटम इज रिमूव फ्रॉम द टोटल. तो अगर हमारे पास 4 एप्पल है, आपने चारों में से एक भी नहीं उठाया तो आपके पास बचता है 4 के 4 बचेंगे, पूरे के पूरे 4, यानी कि ब्लू. सो वी विल एनक्लोज इट विद ब्लू कलर. वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ सिमिलरली वी हैव 6-2, तो 6 में से अगर आप 2 घटाते हैं तो आपके पास आता है 4, अगेन 4. तो हम वो ही कलर उठाते हुए इसको ब्लू से कर देंगे बंद. नाउ वी हैव 5-2, तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं बच्चों, याद आया आपको ये वाला इक्वेशन 5-2, तो इसका आंसर था 3 विच इज येलो, तो हमारा ये अगेन येलो. अब फिर दोबारा हमारे पास 0 वाला इक्वेशन आ गया, तो एक में से अगर हमने कुछ भी नहीं हटाया तो हमारे पास आया 1. सो वी पिक, हमने अगर कुछ भी नहीं खाया या कुछ भी नहीं गवाया तो हमारे पास वही रह जाता है जो हमारे पास होता है, यानी कि इसका आंसर 1. तो 1 का हमारा कोड है रेड, सो वी क्लोज इट विद रेड. बच्चों यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी वर्ड ऐसा है जो आपको नहीं समझ आया या सब्ट्रैक्शन का मीनिंग आपको अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि और दूसरे तरीके से उसे पढ़ाएं. 5-3 विल बी 2. सो वील पिक ग्रीन कलर. बच्चों आप कोई और भी कलर्स ले सकते हैं, जैसे हमारे पास हमने ये कलर्स लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कलर अगर नहीं है तो आप कोई और कलर भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने एक आइटम को एक कलर दिया है या एक नंबर को हमने एक कलर दिया है. तो 1 इज रेड, तो हमारे पास जहां भी आंसर आता है 1, तो हम बजाय उसको 1 लिखने के हम सिंपली उसे कलर कर देते हैं. अब आपके पास अगर क्रेयॉन्स है तो आप सिमिलरली साइड में कुछ उससे सर्कल बना के कलर कर दें, उसके अंदर कलर कर दें, तो भी ये हमारा आंसर हो जाएगा. हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल. और देखिए आपके मैम ने इस शीट पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से और कितनी अच्छे से उन्होंने आपको बताया है, यानी कि ये आपके लिए किसी गेम से कम भी नहीं है. बिल्कुल नहीं. तो आप यहाँ गेम एक तरह से खेलते हुए आप पढ़ भी सकते हैं, यानी कि खेल खेल में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग हो जाती है. बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो पढ़ाई आपके लिए और आसान हो जाएगी. इसके अलावा हम जानते हैं आज और कुछ क्या खास आपके मैम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको और पढ़ाने वाली है. जी तो चलिए ये हमारी एक्टिविटी हुई यहाँ पे. इसी तरह बच्चों आप और आगे की करिएगा और इसी तरह शीट्स यूज करके और बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम्स आप बना सकते हैं. अब चलिए हम और इसको मतलब सब्ट्रैक्शन में हमने इक्वेशन देख लिया, स्टेटमेंट देख लिया, अब अगर हम इमेजेस की फॉर्म में देखना चाहें तो अगर हम एप्पल्स बनाएं 5, ये हमारे एप्पल्स हैं, अभी कंप्लीट नहीं है इसीलिए आपको लग नहीं रहे होंगे एप्पल्स. तो इनको खूबसूरत सा बनाने के लिए इसमें एक एक लीफ ऐड करते हैं, एक या आप 2 कर दीजिए विद ग्रीन कलर. यस, तो ये हमारे एप्पल्स तैयार हो गए. अब बच्चों बिल्कुल लग रहे हैं ना ये एप्पल, तो आप चाहें तो इन्हें कलर भी कर दें, लेकिन हम ऐसे ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो हमारे पास कितने एप्पल्स हैं, 1, 5, 2, 3, 4 एंड 5. तो मैम अगर आपको मैं इनमें से 2 एप्पल्स दे देती हूँ तो मैंने हटा देती हूँ, तो हमारे पास कितने एप्पल्स बचे, 3, 1, 2, 3. तो हमारे पास बचे 3 एप्पल्स. अब इसमें हमने इक्वेशन लिखना सीखा था तो हमारे पास टोटल एप्पल्स कितने थे, 5. सो पहले हम लिखेंगे 5, फिर हम इसमें से क्योंकि मैं आपको दे रही हूँ तो हम लेस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो सिंबल आएगा माइनस का. माइनस, फिर हमने उसमें से कितने हटाए, 2.
फिर हम इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे एंड द रिमेनिंग एप्पल्स आर थ्री. इसी को अगर आप और फॉर्म में लिखना चाहें तो 5 माइनस 2 और यहाँ पे दो लाइन बना के उनके बीच में आंसर. तो एक हमारा ये तरीका है और एक हमारा ये तरीका है. इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें और कुछ और चीज उठाएं, यानी कि क्या लें मैम, अब आप बताइए. आप कुछ भी ले सकते हैं, हम 7-5 भी कर सकते हैं. जी तो अगर हम, आपके पास ब्लॉक्स मौजूद होंगे बच्चों घर में, तो अगर हम ब्लॉक्स को बनाएं यहाँ पे, तो अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स हैं, तो आपने 4 ब्लॉक्स की चेन बना दी. इनमें से अगर आपने एक ब्लॉक हटा दिया, आपको 3 ही रखने हैं, तो आपके पास बचते हैं कितने, 1, 2, 3. तो ये हमारे पास 3 ब्लॉक्स बच रहे हैं. तो टोटल ब्लॉक्स हमारे पास कितने थे, 4, फिर माइनस का साइन, फिर हमने उसमें से कितने हटाए, 1 इक्वल्स टू 3. अब ये एक तरीका हो गया. इसमें से हमने क्या देखा कि पहले हम 4-1 लिखते हैं और हमारे पास ये वाला ब्लैंक होता है, इसको हम सॉल्व करके यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं. इसी को अगर हम और तरीके से लिखना चाहें, तो हम ये वाला नंबर गायब करके यहाँ पे माइनस का साइन, 1 इज इक्वल टू 3. तो मैम यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिसमें से हम एक हटाएंगे तो हमारे पास 3 आएगा. तो वो नंबर कौन सा होगा, इट्स 2. यस, सो 2-1 नहीं, सॉरी, हमारे पास यहाँ पे होगा 4 में से हम 1 हटाएंगे तो हमारा होगा 3. इसी तरह अगर हम 4 में से कुछ ऐसा नंबर हटाएं कि 3 आए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विच विल बी 1. तो ये हमारे पास कुछ तरीके हैं. हमेशा आपका इक्वेशन जो है वो 4-1 इज इक्वल टू, ऐसे नहीं आएगा कि आपके पास आंसर मिसिंग यहाँ पे हो. आपके पास कभी टोटल नंबर भी मिसिंग हो सकता है, कभी आपके पास उनमें से आप जितना हटा रहे हैं वाला नंबर भी मिसिंग हो सकता है. तो आपको उसी हिसाब से फिर सॉल्व करना होगा. तो इसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इक्वेशन समझें कि आपके पास क्या मौजूद नहीं है, फिर आप उस हिसाब से उसका आंसर ढूंढें. तो चलिए आइए हम अब रिकैप करते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा. बिल्कुल, क्योंकि बच्चे अब पढ़ते पढ़ते उन्हें लग रहा होगा कि अब सब छोटे बच्चे बहुत सारी नॉलेज आ गई, बहुत सारी, जब सब आ गया तो उन्हें सब करना होता है. लेकिन चलिए हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है. तो आइए हम देखते हैं. हमने पहले नंबर्स से स्टार्ट किया था, फिर हमने एडिशन सीखा था. आज के चैप्टर में हमने सब्ट्रैक्शन किया. तो सब्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा कि हमारे पास कुछ टोटल नंबर होता है, फिर हम उसमें से कुछ चीज़ घटा देते हैं तो हमारे पास एक और नंबर आता है, जो कि कितना अमाउंट हमने टोटल में से हटाया वो हमारा दूसरा नंबर है. फिर हम इक्वल्स टू का साइन लगा के लिखते हैं जितनी हमारे पास चीज़ें बची. तो सब्ट्रैक्शन सिंपली एक इक्वेशन होगा या स्टेटमेंट होगा आपके पास, जिसको पढ़ते हुए आप समझ सकते हैं कि आपने कुछ चीज़ में से थोड़ा सा अमाउंट उसमें से हटा दिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका आंसर है. लेकिन वो इक्वेशन आपने देखा कि हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, आप उसे वर्टिकली भी लिख सकते हैं, और उसी इक्वेशन में आपके पास कभी टोटल नंबर गायब होगा, तो कभी आंसर गायब होगा इक्वल्स टू के बाद वाला, और कभी हो सकता है आप उसमें से कितना हटा रहे हैं वो भी गायब हो सकता है. और मैथ्स में समझने के लिए आपको किसी भी फैंसी आइटम्स की ज़रूरत नहीं है या एक्टिविटीज़, ऐसा नहीं कि मैम ही कराएंगी. आप अपने स्केच पेन्स यूज़ करके एक्टिविटीज़ बना सकते हैं और निकाला कोड देके इक्वेशन आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो देखा बच्चों कि कितनी आसानी से आप मैथ्स को, जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं, आप आसानी से उसे समझ भी सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन या जितनी भी चीजें मैम ने समझाई हैं, आप उसे दोबारा से एक बार रिवाइज करिए, आपको बहुत सारी चीजें और भी पता चलेंगी. आपके पास वो प्रश्न भी आ जाएंगे जब इन प्रश्नों को हल करते करते या जिस तरीके से मैम ने किया है वो करते हुए आपके दिमाग में और भी कई ऐसे प्रश्न आ सकते हैं. तो आप हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, हम हमेशा आपके लिए हैं. आप अच्छे से पढ़ें, आप सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, ये हम कामना जरूर करते हैं. बहरहाल आज मैम आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. उम्मीद करते हैं बच्चों को समझ आया होगा. बिल्कुल बिल्कुल, आपने इतने अच्छे से बताया है, बच्चों ने जरूर समझा होगा. तो खेल खेल में देखा कैसे आप पढ़ सकते हैं. बहरहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ और अहम जानकारियां, कुछ अच्छे चैप्टर्स आपके लिए लेके. फिलहाल हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.